नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह, आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। और आज लेकर के आए हैं आपके लिए पूरे दिन का हाल बताने के लिए कि आपका अब सप्ताहांत आ गया है, सप्ताह का समाप्त होना आज से आरंभ हुआ। कैसा बीत रहा शनिवार, क्या कुछ मिलेगा आपको आज, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करके आज कुछ अच्छा महसूस कर सकते हैं, सारी जानकारी एक साथ एक ही मंच पे आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा बस थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे हम आपको बताएंगे कि आज के ब्रह्मास्त्र में चावल और हल्दी पाउडर अगर मिल जाए तो क्या होगा। देखने के लिए लॉगिन करिएगा ठीक 11 बजे ज्योतिष जरा हटके। जानकारी दे देते हैं, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं बनारस में 21 और 22 मई को, 23 24 को लखनऊ में, इसके बाद 29 30 31 अमृतसर। आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाए, तो जो नंबर्स चल रहे हैं आप कार्यक्रम में नंबर्स 3 मिलता है आपको, उन नंबर्स पर कॉल करें। शिकायत करते हैं आपकी कॉल उठती नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठाता, रिस्पांस नहीं मिलता, ऐसे कंडीशन में आप सिंपल व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल करके छोड़ दीजिए, आपके पास कॉल या मैसेज एज सून एज पॉसिबल पहुंचेगा। फ़ोन के लिए कई बार होता है इंसान अपनी नित्य क्रियाओं में लगा रहता है और आपका फ़ोन ना उठा हो, या हो सकता है कि साइलेंट पे हो, कुछ भी कारण बन सकता है, लेकिन मैसेज देखा जाएगा तो रिप्लाई आना तय है। चलिए शुरुआत करते हैं, अब बताते हैं आज का पंचांग। वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है, चंद्रमा कर्क राशि में दोपहर 1:54 तक, फिर सिंह राशि में प्रवेश, पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:54 तक, योग गंड तदनुसार दिनांक 11 मई दिन शनिवार। शनिवार को राहु काल का समय सुबह 9:00 से 10:30 तक, राहु काल में नए और शुभ काम का आरंभ नहीं किया जाता। गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 6:00 से 7:30 तक। गुलिक काल में जो चाहें आप कर सकते हैं, हर एक कार्य आपके बनते जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपको जरूर प्राप्त होती है। आज का भविष्यफल आपके एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी के साथ। सबसे पहले आज का राशिफल का आरंभ मेष राशि से। आज मेष वालों के लिए बहुत सकारात्मक दिन कहा जाएगा, शिक्षा क्षेत्र में सफलता के संकेत हैं, आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी, शिक्षा में आपके ठहराव आएगा। दिनांक 11 मई दिन शनिवार, व्यापार की स्थिति आज सुधरने जा रही है, बिजनेस में चल रहा लॉस आज थमेगा। आज किसी दोस्त की सलाह से बिजनेस में 4 चांद खिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं, दोस्त यार की मदद आज आपको मिलेगी। आज रियल स्टेट से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होने जा रहा है, टूर ट्रेवल्स वाले भी आज बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आज स्ट्रगल हो सकता है। आज कार्य क्षेत्र में उठापटक का माहौल बना रहेगा। दिनांक 11 मई दिन शनिवार, सरकारी क्षेत्र मेष राशि। गवर्नमेंट सेक्टर में आज उठापटक हो सकता है, बॉस के साथ कुछ मतभेद आज गहरा हो सकता है, संभावनाएं ये भी हैं कि आज की स्थिति आपको कुछ नुकसान ज़्यादा दे जाए सरकारी क्षेत्र में। दाम्पत्य जीवन आज सुचारू ढंग से चलेगा, दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाएं आज दूर हो जाएंगी, दोस्त यार आपकी मदद करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक प्रवाह रहेगा, हर प्रकार से खुद को आप उन्नतशील प्राप्त करेंगे। दिनांक 11 मई को जन्म पाए लोग लव लाइफ की स्थिति के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आज डेट पर आप जा सकते हैं। दोपहर तक अगर अपने सभी जरूरी काम लव लाइफ से रिलेटेड पूरा कर ले तो बेहतर है। जैसे आप मान लीजिए आज आपके बॉयफ्रेंड आपके गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो, ठीक, तो आप 1 बजे से पहले समेट लीजिएगा,
क्योंकि चंद्रमा फिर बदल जाएगा। तो जितना काम है वो आप समेट लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज मेष राशि वालों के लिए हेल्थ में सरदर्द की शिकायत आज परेशान कर सकती है, और संभावना ये भी है कि थोड़ा सा वीकनेस आज आपको कुछ उलझा दे। मेष राशि के लिए क्या उपाय करना चाहिए आज? आज के दिन दाहिने हाथ के अंगूठे में थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिएगा, लेश मात्र। क्या नहीं करना है आज? अपने इरादे किसी को बताने नहीं है। लाल रंग शुभ है, 54% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, शिक्षा अच्छी स्थिति में आ जाएगी आज। प्राइवेट सेक्टर में कुछ विशेष लाभ होगा। बिजनेस भी आज अच्छा चलेगा। बिजनेस में कुछ विशेष लाभ हो सकता है, निवेश का आप कर सकते हैं आज निवेश भी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल है। गवर्नमेंट सेक्टर वाले आज प्रभावित हो रहे हैं। बॉस के साथ कुछ तूतूमैमे भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन, यहाँ पर मामला सो रहेगा। सामंजस्य बिठा लेंगे, जरूरी काम आज निपटाएंगे। आज कहीं पति पत्नी यात्रा पर भी जा सकते हैं। लव लाइफ, वृषभ राशि, 11 मई आज प्रपोज करने का दिन कहा जा सकता है। अच्छी सिचुएशन आप आज पैदा कर रहे हैं और उस चीज को लेकर के आप आश्वस्त भी रहेंगे। 11 मई, आज 11 मई को वृषभ राशि वाले लव लाइफ में शादी ब्याह की चर्चा को भी फाइनल स्टेज तक ले जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और किडनी को लेकर के आज थोड़ा सा डरने की आवश्यकता है, सावधानी अनिवार्य है। उपाय क्या करना है? अगर आपकी राशि वृषभ है, आज भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। वृषभ राशि, क्या नहीं करना आज? आज अपने मुंह से किसी की बुराई नहीं करना है। काला रंग शुभ, 50% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, शिक्षा क्षेत्र में आपके आज सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। स्वयं को आज मानसिक रूप से मजबूत पाएंगे। आज कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश पूरी होगी। व्यापार की स्थिति आज डामाडोल है, थोड़ा सा रिस्क लेना भारी पड़ सकता है आज, लेकिन कोई दोस्त मदद करके बिजनेस में चार चांद लगाने की कोशिश तो जरूर करेगा। मिथुन राशि, 11 मई दिन शनिवार, प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस दोपहर के बाद बन रहे हैं। आज कहीं बड़ी किसी कंपनी में परिवर्तन के लिए आप विचार कर सकते हैं। विदेश से शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र, मिथुन राशि, 11 मई, गवर्नमेंट सेक्टर वाले आज कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करेंगे। नए कार्यभार आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज आप ही का प्रभाव बहुत सकारात्मक होकर के सामने वाले पर पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन, मिथुन राशि, 11 मई, पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। अनुभवों को अपने आप आज साझा कर सकते हैं। पत्नी के साथ किसी विशेष अवसर का लाभ ले सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आज बच्चे के लिए प्लानिंग की जा सकती है। मिथुन राशि, लव लाइफ स्थिति ठीक नहीं है। आज कुछ ब्रेकअप के चांसेस ज्यादा गहरे हैं। अकल्पनीय पीड़ा को आज आप महसूस करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मिथुन राशि, आज मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में कानों की समस्या और पेट की दिक्कत परेशान करेगी। उपाय के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को कुछ फल फ्रूट्स दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज किसी को उधार नहीं देना है। ऑरेंज कलर शुभ है, 63% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, शिक्षा क्षेत्र में आज शांति का माहौल रहेगा। विचारों में विशेष गहराई आएगी। आज शिक्षा मन लगाकर करेंगे आप।
कहीं पर इंटरव्यू आदि देने जाएंगे तो वहां पर भी सिलेक्शन की संभावना बहुत प्रबल है। कर्क राशि, दिनांक 11 मई 2019 दिन शनिवार। व्यापारिक स्थिति आज डामाडोल है, बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हो सकता है। दोपहर के बाद की स्थिति कर्ज लेने की हो सकती है। आज किसी बात को लेकर विवाद में भी आप फंस सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में बदलाव के चांसेस हैं। विदेशी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, विदेश से किसी तरह का ऑफर आज आ सकता है, मित्र आपकी मदद करेगा। सरकारी क्षेत्र में आज डांट पड़ सकती है, आज कोई काम आपसे बिगड़ सकता है, कुछ माहौल आज आपके लिए निगेटिव रहेगा। दाम्पत्य जीवन आज कर्क राशि वालों के लिए सुचारू ढंग से चलने वाला है, पत्नी आपकी बात मानेंगी और किसी विशेष अवरोध को आज आप लोग मिलकर दूर कर लेंगे, ससुराल से भी रिश्ता मधुर होगा। कर्क राशि 11 मई, लव लाइफ, स्थिति बहुत अच्छी है, नया प्रपोजल मिल सकता है, आज कोई आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है जो आपके लिए बेहद टची होगा। कर्क राशि स्वास्थ्य, आंखों की समस्या आज परेशान कर सकती है, क्या विशेष करना चाहिए आज? आज 3 बार अपने मां का नाम ले लीजिएगा, क्या नहीं करना है आज? आज के दिन ड्रिंक मत करिएगा, पीला रंग शुभ है, 53% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, शिक्षा क्षेत्र नजदीक से आपको बहुत भा जाएगा, शिक्षा क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी, शिक्षा क्षेत्र का प्रभाव बहुत सकारात्मक होगा। व्यापार की स्थिति अद्भुत है, बिजनेस में बहुत फायदा होगा, बिजनेस के लिए आज आपको अवार्ड मिल सकता है, प्रॉफिट रेशियो एकदम से बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में बहाली है, नौकरी में प्रमोशन है, कोई जांच चल रही थी उससे आज मुक्ति मिल जाएगी, दोस्ती अपना रंग दिखाएगी। सरकारी क्षेत्र में सिंह राशि वालों को आज सरकारी कार्य जो फंसे थे उससे मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। आज आपके द्वारा, अगर आपकी राशि सिंह है, कुछ बड़ा प्राप्त करने का अवसर भी मिल रहा है। सिंह राशि के लिए सरकारी क्षेत्र में कुछ प्रमोशन भी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुगम रहेगा, निभा लेंगे, मानसिक रूप से उन्नति प्राप्त करेंगे, कुछ बड़ा करने की चाहत पूर्ण हो जाएगी। सिंह राशि, लव लाइफ, थोड़ा सा हलचल रहेगा आज, घर परिवार की वजह से कुछ लव लाइफ प्रभावित हो रहा है, आज मिलने जुलने का कार्यक्रम कैंसिल ही करें तो बेहतर है। सिंह राशि 11 मई स्वास्थ्य, आज लीवर और कुछ चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, छाती से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय के तौर पर सिंह राशि वालों के लिए आज किसी पौधे में पानी डाल दीजिएगा, क्या नहीं करना है आज? आज अपने मन से कोई फैसला मत लीजिएगा, आसमानी रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके साथ है। 67। कन्या राशि, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आज आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व बहुत सकारात्मक रहेगा, आज आर्थिक मोर्चे पर आप मजबूती प्राप्त करेंगे। कन्या राशि, अब शिक्षा में भी आर्थिक मोर्चा माने, कन्या राशि वालों के लिए आज बिजनेस बहुत सकारात्मक दिशा लेकर के आया है, नया बदलाव कर सकते हैं, बिजनेस में आज सकारात्मक बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, निवेश के लिए बहुत शुभ दिन है। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में बहुत सुंदर एक परिवर्तन होने जा रहा है, आपका डेस्क चेंज होगा, आप हो सकता है किसी नए कार्यभार में बांधे जाए। कन्या राशि 11 मई, जितना अपने आप को मजबूत बना करके लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए बहुत कुछ होने जा रहा है। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन को कैश करने का दिन कहा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में आज थोड़ा सा डामाडोल मामला रहेगा, कुछ डांट डपट हो सकती है आपके ऊपर, आज कुछ काम आपसे बिगड़ सकता है, तो
तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं, आज शनिवार के दिन कन्या राशि वाले बहुत सावधान रहे, और भाग्यशाली है वो गवर्नमेंट जॉब वाले जो आज घर पर है कि नहीं, और जो ऑफिस गए हैं उनके लिए हम सावधान कर दिए हैं पहले से ही। दाम्पत्य जीवन आज बहुत अच्छा रहेगा। कोई दोस्त थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा है आपकी मैरिड लाइफ पर, तो वो थोड़ा आपको संभालना होगा। कन्या राशि वालों के लिए एक और बहुत सावधानी भरा वक्त है जो आपको करना चाहिए। आज दाम्पत्य जीवन में सावधान इस तरह से रहना है कि आरोप प्रत्यारोप न लगने पाए, खाई बन रहा आपके रिश्ते में, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी, लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं है। स्वास्थ्य कन्या राशि, हड्डी आँख और पेट तीन जगह से आज परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर आज किसी छोटे बच्चे को कुछ मिठाई दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज, आज लंबी यात्रा अवॉइड करना है। ब्राउन कलर शुभ है, 61% का भाग्य आपके साथ है, 61। तुला राशि, शिक्षा क्षेत्र में कहीं से कोई बाधा नहीं आएगी, शिक्षा पूर्णता की तरफ बढ़ रही है, आ रही समस्याएं अपितु आज दूर हो जाएंगी। आज कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा है। व्यापार तुला राशि, 11 मई, बिजनेस में आज बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। रुका धन आज शाम 4 बजे के बाद वापस मिल सकता है, प्रयास तेज करिएगा। कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए कोशिश कर रहे थे तो आज वो प्रोजेक्ट दोपहर 1:45 के बाद आपका है। लाभ की कई स्थितियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तुला राशि वालों के लिए एक और सावधान रहने की आवश्यकता है। कोशिश करिएगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन न जोड़ लीजिएगा जहां से कुछ समस्याएं ज़्यादा खड़ी हो जाएं। सरकारी क्षेत्र में भी कुछ तूतू मामे की विवाद की स्थिति आ सकती है, कुछ आज लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी डावाडोल रहेगी आज। तुला राशि वालों को थोड़ा सा सहनशील होना पड़ेगा, वाणी पर अंकुश लगाना पड़ेगा, अन्यथा तो मामला समझिए कि उल्टा ही है। तुला राशि, एक बड़ा प्रभाव आपका सामने वाले पर पड़ेगा लव लाइफ में। सुचारू ढंग से चल रहा है, शादी की बात फाइनल कर सकते हैं, कोई पुरानी समस्या को भी सुलटाने में आज का दिन महत्वपूर्ण है। तुला राशि, स्वास्थ्य के मामले में आज हड्डियों की दिक्कत परेशान कर सकती है, और कुछ स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, क्या उपाय करना चाहिए आज तुला राशि वालों को? फल का दान करना चाहिए। क्या नहीं करना आज, आज अपने राज रिवील नहीं करने हैं। बादामी रंग शुभ है, 64% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, शिक्षा आपकी आज अधूरी रह सकती है, शिक्षा में आज बाधाएं दिखाई देती हैं। चंद्रमा का प्रभाव आज पंचम से छठे में हो सकता है दोपहर तक, तो ये थोड़ा सा आपको कुछ भावनात्मक रूप से कमजोर करके शिक्षा प्रभावित करेगा आज। वृश्चिक, दिनांक 11 मई, वृश्चिक राशि, व्यापार के मामले में आज स्ट्रेटजी बनाने का दिन है। आपकी क्रिएटिविटी का कायल सामने वाला हो सकता है आज, खुद को जितना प्रमोट कर सकते हैं करिएगा, आपके लिए सकारात्मक रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए एक और बड़ी सकारात्मक चीज है आपके साथ। प्राइवेट सेक्टर में आज आपकी तूती बोलने वाली है, कोई बहुत बड़ा काम आज आप संपन्न करेंगे, कंपनी के फेवर में आज कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका, ये आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। वृश्चिक राशि के लिए
आज के दिन का और बड़ा प्रभाव अगर देखना है तो सरकारी क्षेत्र में फिर देखने को मिलेगा। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, कुछ बेहद सकारात्मक चीज, कुछ बहुत पॉजिटिव चीज हो सकती है। वृश्चिक राशि, सावधानी के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते रहिएगा, सरकारी क्षेत्र में भी। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधाएं आज दूर होंगी। पति पत्नी का आज वर्चस्व मिलेगा और सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा। वृश्चिक राशि, लव लाइफ में उठापटक की स्थिति थोड़ी सी आ रही है, हो सकता है लव लाइफ में आज कुछ बड़ा प्रभाव पड़ जाए, बहुत सावधान रहिएगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य, आज पेट से बहुत उलझे रहेंगे। सिंह राशि का चंद्रमा आने वाला है। वृश्चिक राशि, उपाय क्या करना चाहिए आज? आज के दिन माँ दुर्गा की शरण आपके लिए वैकुंठ है। क्या नहीं करना है आज? आज अपनी बातों को किसी पर थोपना नहीं है। ग्रे कलर शुभ, 54% का भाग्य है। धनुराशि, प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। शिक्षा क्षेत्र में आज डंका बज सकता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका रहेगा। व्यापारिक स्थिति आज डामाडोल रहेगी, बिजनेस में कुछ घाटा हो सकता है, बिजनेस की स्थिति आज गड़बड़ हो सकती है। दोपहर के बाद कुछ हद तक सुधार संभावित है। प्राइवेट सेक्टर में बदलाव का बयार शाम को बहेगा, कहीं पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है। आज सैलरी बढ़ाने की चर्चा ना करें तो बेहतर है। सरकारी क्षेत्र धनुराशि, स्थिति बहुत सकारात्मक रहेगी, सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन के चांसेस भी बनेंगे, मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति डामाडोल रहेगी, आज पत्नी से कुछ भयभीत रहेंगे आप, पति भी आज कुछ आपको डरा सकता है अगर आपकी राशि धनु है और आप महिला हैं। आज धनुराशि वालों के लिए थोड़ा सा मामला एक जगह से और गड़बड़ हो सकता है। लव लाइफ, सावधान रहिएगा, लव लाइफ में कुछ समस्याएं गंभीर हो सकती हैं, आज ब्रेकअप की भी संभावना बन सकती है। धनुराशि 11 मई स्वास्थ्य के मामले में आंखों की तकलीफ आज परेशान करेगी। उपाय के तौर पर आज के दिन किसी गौ माता को कुछ हरा चारा दे दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज आर्थिक रूप से खुद को झकझोरना नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? आज धनुराशि वाले आटा का दान कर दें। क्या नहीं करना है आज? आज ब्लैक कलर नहीं पहनना है, बैंगनी रंग शुभ है। 58% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, शिक्षा में आज पूर्णता आएगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, उधार गया पैसा वापस मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में बदलाव टाल दीजिएगा, कुछ आपके विरुद्ध आज षड्यंत्र हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में प्रमोशन के चांसेस हैं, रुका धन वापस मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार की गुंजाइश है, पत्नी से आज आगे बढ़कर आप बात कर लीजिएगा। लव लाइफ में अवरोध आ सकता है, डेट पर जाना कैंसिल कर दीजिएगा। आज स्वास्थ्य के मामले में मुंह और दांत से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान करेंगी। उपाय के तौर पर आज 11 मई को मकर राशि वाले ब्लैक कलर जरूर पहने। क्या नहीं करना है आज? आज अपने राज रिवील नहीं करने हैं। काला रंग शुभ है, 53% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, शिक्षा क्षेत्र में आनंद आएगा, आज शिक्षा क्षेत्र में उन्नति भी प्राप्त करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 11 मई व्यापार कुंभ राशि, आज बिजनेस में निवेश करने से बचना होगा, कुछ स्थिति आपके लिए आज गड़बड़ा सकती है, आज धन से आप परेशान हो सकते हैं। कुंभ राशि, आज कुंभ राशि वालों को और एक विशेष लाभ मिलने जा रहा है। सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर दोनों में कुछ विशेष लाभ आपको हो सकता है। जी हाँ, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, दाम्पत्य जीवन को बहुत सुधार कर चलना होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह से आज इनिशिएटली आप बहुत अग्रेसिव मत होइएगा, नहीं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। आज हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में पत्नी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए। लव लाइफ बिल्कुल स्मूथ है, पुराने गिले शिकवे भूलेंगे आज, डेट पर जाया जा सकता है, शादी की चर्चा हो सकती है।
कुंभ राशि 11 मई, स्वास्थ्य, घुटने की तकलीफ अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, पेट से आज ठीक हो जाएंगे, आज किसी पुरानी बीमारी से मुक्ति की संभावना है। उपाय के तौर पर सफ़ेद रंग की कोई वस्तु आज दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है, आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है, सफ़ेद रंग शुभ है, 69% का भाग्य आपके साथ। अंतिम राशि मीन, शिक्षा क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर कर लेंगे आज। आज पैसे से जो समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी, नई जगह पर एडमिशन हो सकता है। बिजनेस की स्थिति आज बहुत अच्छी है, बिजनेस में आज बहुत लाभ मिलेगा आपको। दोस्ती यारी आज आपकी सफल होगी और आज आपको कुछ विशेष फायदे की स्थिति भी पैदा हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में आज बड़बोलापन भारी पड़ सकता है, आज कुछ ऑर्डर आपके हाथ से जा सकता है, थोड़ा सा अहंकार कम करें तो बेहतर होगा। सरकारी क्षेत्र वाले आज प्रमोशन भी पा सकते हैं और बॉस आपसे जरूर प्रसन्न रहेगा। हो सकता है कि आज कोई समस्या जो आपने पैदा की थी अपने आप ठीक हो जाए, भाग्यशाली महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में तो मामला ठीक है, लेकिन कुछ एग्रेसिव होना भारी पड़ सकता है, ये बता देते हैं। अब लव लाइफ सुचारू ढंग से चलेगा, आज डेट पर भी जा सकते हैं और कहीं नया प्रपोजल कोई आए तो उसे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्या आपके लिए आज उपाय करना है बताएंगे, लेकिन पहले स्वास्थ्य के मामले में कान की समस्या और कुछ हद तक हड्डियों से संबंधित समस्या उलझा देगी आज। उपाय के तौर पर आज किसी बच्चे को भोजन करा दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज, आज किसी को उधार मत दीजिएगा। केसरिया रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके साथ है। चलिए बात कर लेते हैं आज के भाग्य अक्षर की। मेष राक्षर वृषभ का, मिथुन नाक्षर कर्क रात, सिंह फाक्षर कन्या आ, तुला टाक्षर वृश्चिक था, धनु हाक्षर मकर जा, कुंभ हाक्षर मीन या। ये आपके अपने शुभ भाग्य अक्षर है, 24 घंटे के लिए सादे चौकोर कागज पे लिख के अपने पास रखिए। आज दिनांक 11 मई, ऐसा क्या उपाय करें कि पूरा दिन आपका सफल हो जाए। जी हाँ, चर्चा छिड़ गई है अब आज के सक्सेस की। तो आज की सक्सेस की है, अनामिका उंगली से 3 बार, रिंग फिंगर से 3 बार अपना मस्तक छूना है और फिर अपने दिन को सुंदर बना लेना है। दिनांक 12 मई को अगर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का या कोई एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया, तो ये उपाय आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने उस दोस्त को, यार को, रिश्तेदार को जो आज एग्जाम देने जा रहा है। जी हाँ, दिनांक 12 मई का एग्जाम टिप, एक लौंग ले लीजिएगा और घर से निकलकर किसी पेड़ के नीचे जमीन में खोंस दीजिएगा, बस इतना सा करिए। कब करना है, जब 12 मई दिन रविवार को आप एग्जाम देने जाएं, इतना सा करवा लीजिए। लाभ ही लाभ, शुभता ही शुभता। थैंक यू सो मच प्यार बनाए रखने के लिए, आपके परम पावन दिन की मंगल कामनाओं के साथ। लेकिन अपॉइंटमेंट 21-22 कहाँ, बनारस। नमस्कार, श्री राधे।